सभी छात्र छात्राओं का देव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आपकी विशेष अनुरोध पर हमने इंग्लिश के कुछ स्पेशल टॉपिक तैयार किए हैं। इन टॉपिक को बारीकी से देखने के लिए आप पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये टॉपिक आपने किसी और चैनल में भी देखा हो या फिर इसे आप पहले से जानते हों, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी चीज़ों का समावेशन किया गया है वो टोटल आपके पैटर्न पर आधारित है। और निश्चित है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 नंबर आप अपने पेपरों में सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से ला सकते हैं। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए देव क्लासेस स्पेशल को यूट्यूब पे सर्च करिए और उसके सारे चैनल को वॉच करिए। आपको सारे टॉपिक सिलेबस वाइज मिलेंगे और जो भी चीज़ हमने टॉपिक में रखी है वो सिलेबस के बाहर नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक आज हम बताने जा रहे हैं ये टेट और सी टेट के लिए तो स्पेशल ही है, लेकिन इसके साथ 10वीं 12वीं 11वीं और 9वीं ये चारों परीक्षाओं के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास के बच्चे भी इस टॉपिक को पूरा स्टडी कर सकते हैं और इंग्लिश की जितनी भी क्लासेस हैं मैं तो कहूँगा वो सारी क्लासे ये 9th हाई स्कूल 11वीं 12वीं के बच्चे भी वाच कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलते हैं आज के सब्जेक्ट की तरफ। पहला टॉपिक कहने के लिए तो टेंस पे आधारित है, लेकिन ये टोटल आपके पैटर्न के अंतर्गत है और ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, इसके यूजेज क्या है देख लीजिए। एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, मतलब जब किसी व्यक्ति के आदतों के बारे में बात हो तब वहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे शीला गेट्स अप लेट डेली, शीला डेली लेट जगती है, ये उसकी आदत है। अगला है एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी बिल्कुल सच्चाई की बात कही जाए जो हमेशा सत्य होगी तो उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होगा। पेपरों में आपको हिंदी वाक नहीं मिलेंगे कि हम हिंदी की पहचान बताएं, हम आपको इंग्लिश की पहचान बता रहे हैं ताकि आपको इसी से पहचान हो सके। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है, ये तो सदा सत्य रहने वाली बात है। और इंडेफिनिट टेंस में प्राय इन वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है, जैसे ऑलवेज, डेली, जनरली, सेल्डम, नेवर, समटाइम और एवरी। अगर ये वाक्य आपको मिलते हैं तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। इसके कुछ रूल्स हैं, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, नेगेटिव का क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है। अफर्मेटिव में मैं बता देता हूँ, कर्ता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, और प्लस सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो एस ई एस नहीं लगेगी, रूल सेम का सेम रहेगा। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में आपका डू या डस का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में, जिसमें डू बहुवचन और डस का प्रयोग एक वचन में होता है। और इंट्रोगेटिव में यही डू या डस आगे आ जाता है या प्रश्नवाचक शब्द हमारे आगे आ जाते हैं। ये थे हमारे नियम। अब चलते सीधे एक्सरसाइज की तरफ जो आपके पेपर में पूछी जा रही है। अब आपको चेक करना, देखिए मोहन ऑलवेज, देखिए इसमें आया मोहन ऑलवेज अप लेट। अब देखिए इसमें ऑलवेज शब्द आ गया तो आपको पहचान करनी होगी कि ऑलवेज प्रेजेंट में ही आएगा, तो मोहन ऑलवेज गेट्स अप, GETS लग जाएगा इसमें, गेट्स अप लेट। अगला माई फ्रेंड नेवर, नेवर आ गया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें टेल की जगह टेल ही रहेगा, माई फ्रेंड नेवर टेल LI। जैसे अगला है द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो ये सदा सत रहने वाली बात है तो इसमें भी मूव्स हो जाएगा। ये बाकी एग्जाम्पल हैं, ये आप देख लीजिए, ये आपको स्वयं करने हैं। जैसे दे
इसके साथ में कम ही आएगा, दे कम हियर एवरी ईयर इन जून, नेक्स्ट आई, आई के साथ क्या आएगा, डू या डज, डू आएगा क्योंकि बहुवचन के अंतर्गत माना जाता है। आई डू नॉट टेक मिल्क इन द मॉर्निंग, छठवां है आपका, जब भी कर्ता के पहले काले स्थान हो तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपका सहायक क्रिया आ रही है, तो यू के साथ क्या आएगा, डज, नहीं सॉरी डू आएगा, बहुवचन है। इसके बाद डज, नहीं सॉरी, डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी ईयर, नेक्स्ट है वाई, यहाँ पे यू के साथ आएगा डू, और दूसरे खाली स्थान में आएगा गो, वाई डू यू गो देयर डेली, नेक्स्ट है हमारा आगरा, आगरा स्टैंड ऑन द बैंक इन ऑफ रिवर यमुना, मतलब आगरा यमुना नदी के किनारे खड़ा है, इस पे स्टैंड ही आएगा, ये आप हल कर सकते हैं, ये आपकी आंसर शीट भी दी गई है, आप हल करने के बाद में इनको चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका ये है, देख लीजिए, माय सिस्टर ऑफन गो टू द टेंपल, इनको आपको करेक्ट करना है, नेक्स्ट है वाटर बॉयल 800 डिग्री सेंटीग्रेड, नेक्स्ट है माई फादर ऑलवेज रीड इंग्लिश न्यूज पेपर, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पहचान करते जाना है आपको, रीड्स इंग्लिश न्यूज पेपर। अगला चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज ये है कि वह प्रेजेंट समय में किसी कार्य को कंटिन्यू होने के लिए बताता है, जैसे मोहन इज रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, मोहन एक किताब पढ़ रहा है इस समय, मतलब मोहन इस समय एक किताब पढ़ रहा है, तो ये काम वर्तमान में कंटिन्यू चल रहा है, जैसे लुक सी सिंगिंग सॉन्ग, देखो वह एक गाना गा रही है, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। इसके सूत्र हैं, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा सहायक क्रिया के रूप में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, और बाकी आपका जीव का जो नियम है। अब देख ले, इट रेन आउटसाइड नाउ, यहाँ पर आपको ये देखना है कि कंटिन्यू दिखाया जाएगा आपको यहाँ पे, जैसे इट रेन आउटसाइड नाउ, इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ, नेक्स्ट है ही इज स्टडिंग ए बुक एट दिस टाइम, नेक्स्ट है ही नेवर ईट्स बिस्कुट्स बट टूडे He is eating them. Next, look, madam. Is make a roll. तो ये आपके आंसर शीट भी दी गई है, इसमें आप इसको बनाने के बाद में इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट कुछ प्रैक्टिस सेट हैं ये आपके लिए, इसको आप करते जाइए, अगर आपने इन प्रैक्टिस सेटों को कंप्लीट कर लिया तो नो डाउट आप ये मान के चलिए आपका इंग्लिश का पार्ट न्यूनतम 3 से 4 नंबर का तो इस चैप्टर से कवर होना है आपका। एक्सरसाइज करते रहिए आप, अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पहचान होती है, एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड, उस गतिविधि के बारे में बताया जाता है जो ठीक अभी कंप्लीट हुई होती है, जैसे आई हैव जस्ट बॉट ए न्यू पेयर ऑफ शूज, मैंने अभी जूतों का एक जोड़ा खरीदा है, माई टीचर हैज जस्ट अराइव्ड, मेरे अध्यापक ठीक अभी अभी आए हैं, नेक्स्ट है डिस्क्राइब एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप
ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। डिस्क्राइब एन एक्शन, मैंने उस एक्शन के बारे में बताना है विच बिगेन इन द पास्ट, जो व्यतीत हो चुका है एंड कंटिन्यू अप इन द प्रेजेंट मोमेंट। नेक्स्ट इज में डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंट एंड नॉट इट इटसेल्फ। ये तीन पहचान है, जैसे इसमें वी हैव लॉस्ट द वे, मैं अपने रास्ता भूल गया हूँ। आई हैड कंप्लीटेड माय जॉब, मैंने अपनी नौकरी को समाप्त कर दिया है या मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन कर दिया है। इसमें कुछ इस तरह के शब्द मिल सकते हैं आपको, येट सो फॉर ऑलरेडी यूर सेंस जस्ट नाउ सर्वल टाइम्स, इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो आपको पहचान कर लेनी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कब आक होगा। इसके सूत्र ये हैं, आप इनको एक बार जो आपके सूत्र रहे, जिसमें साइक्लिक रूप में हैज हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम इस वाक्य को बनाते हैं। और ध्यान दीजिए, ये टॉपिक हमारे यूपी टेट, सीटेट या आल्टेट स्टूडेंट के साथ में उन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, हम नाम नहीं ले रहे हैं, ये एक बेसिक टॉपिक है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे सभी लोग देख सकते हैं। और विशेषकर हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की स्टूडेंट जो इस समय स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वो भी देख सकते हैं। इसमें देखिए सॉल्व एग्जाम्पल हैं कुछ, शिव कुमार पास एम ए एग्जामिनेशन, एक वचन है तो यहाँ हैज लग जाएगा, शिव कुमार हैज पास्ड एम एग्जामिनेशन। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। नेक्स्ट है वी हैव सीन द ताजमहल। नेक्स्ट है ही हैज नॉट पेड हिज ड्यूज येट। हरपाल हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द मार्केट जस्ट नाउ। हैव यू एवर विजिटेड माई हाउस। व्हाई हैव यू विजिटेड माई हाउस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू अबाउट दिस केस। मुकेश हैज नॉट ज्वाइंड दिस ड्यूटीज सो फॉर। नेक्स्ट आई हैव सीन दिस मूवी सर्वल टाइम। ये आपके आंसर शीट दी गई है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से हल करने के बाद में। इसके बाद में आपका प्रैक्टिस शीट है, इसको देख लीजिए, ये आपको स्वयं करना है। एक बार करते चलिए आप, जितना आपका स्कोर है वो आप बता सकते हैं हमें। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस पर सेंस या फोर का प्रयोग होता है और समय दिया होता है, ये पहचान इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी जो सूत्र हैं वो ये हैं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिए, ये रहे सूत्र इसके। इसके बाद में इसमें हैज़ के साथ में बीन लग जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सॉल्व एग्जांपल है, जैसे द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मॉर्निंग। मोहन हैज बीन रीड द बुक। जैसे ए स्ट्रॉन्ग विंड हैज बीन ब्लोइंग सिंस मंडे, ये आपको सॉल्व एग्जांपल रहे, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज की आंसर शीट रहे, तो आप इनको हल करने के बाद में स्वयं देख सकते हैं। तो छात्रों, भाई बहनों और सभी टेट, सीटेट और आल कंप्लीट एग्जाम के छात्रों, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को पूरा वॉच करते हुए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।